जो कुछ परमेश्वर आपके विषय में सोचता है, जो उसके दिल में है कि वो आपको देगा या आने वाले समय में आप ऐसे होंगे, वो अपने आप कभी भी पूरा नहीं होता। आपको जमीन पर उसे उतारना होगा, अपनी प्रेयर से, अपने विश्वास से, परमेश्वर में चलने से। आपको उसे धरती पर क्या करना होगा? उतारना होगा। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी परमेश्वर को दिखाने की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक पास्टर हैं, आप एक सेवक हैं, आप एक जॉबमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। परमेश्वर को दिखाने की आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। आप यंग हैं, आप बूढ़े हैं, आप कोई भी हैं, एक जिम्मेवारी है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन सुन चुके हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर को दिखाने की, अपनी जिंदगी से उसकी सेवा करने की, अपनी प्रीचिंग से उसकी सेवा करने की, और ताकि परमेश्वर का वो वर्ड आपकी लाइफ में पूरा हो कि मैं अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं दूंगा। जिस जगह आप होंगे, मैं आपको ये लिख के देता हूं, बिना प्रमोशन कभी आप अपने आप को नहीं देखेंगे। और जो प्रमोशन 20 साल में होती, 2 साल में होंगी। जो 2 साल में होती, 2 महीने में होंगी। आप मेरी बात समझ रहे क्या? परमेश्वर का मसा, जब परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ पे होता है, बाइबल कहती है डिवाइन स्पीड, ईश्वरीय स्पीड आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। जब परमेश्वर का फेवर, जब परमेश्वर की महिमा को आप अपनी लाइफ से दिखाते हैं, जब अपने चरित्र से, अपने बोल से, अपने चलने से आप परमेश्वर आप समझ पाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने रचा है ताकि मैं उसकी ग्लोरी कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं। ये 3 लोग मेरे अंडर मान लो काम करते हैं, और पब्लिक में तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन उन 3 लोगों को बोलूं, अच्छा यहां से, अच्छा यहां कर लटी थोड़े इधरों, हाँ थोड़े इधर से, हाँ ओ चल दाज एक 10 दा मसाला पाना छाड़, तू 12 10 दा पा, तू केड़ा पता लगना है बाऊ गया होया इतो। आपने उन 3 के सामने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और आप अपनी असाइनमेंट में क्या हो गए? फेल हो गए। और आपको बनाया किस लिए गया था? कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उसकी महिमा करेंगे, अपने एक्ट्स, अपने कर्मों से, अपनी बोल से, अपने जीवन से। हालेलुया। परमेश्वर